कर्मफल। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गया, क्योंकि इस अमीर आदमी ने बहुत महंगे जूते पहन रखे थे और यह भी सुन रखा था कि उस मंदिर के बाहर जूते चप्पल अक्सर चोरी हो जाया करते हैं। इसलिए उसका मन नहीं हुआ कि वह ऐसे ही अपने कीमती जूते वहाँ छोड़कर जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और इन्हें ऐसे भी छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। वह बड़ी दुविधा में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे अमीर आदमी ने मंदिर के पास बैठे एक भिखारी से बात की। आदमी ने भिखारी को उसके जूते थोड़ी देर के लिए संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी इस बात के लिए राजी हो गया। पूजा में बैठे बैठे अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि हे भगवान, आपने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को आपने पैरों तक के लिए कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए तक भीख मांगना पड़ता है। आदमी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला कि आपने सभी लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने सभी को एक जैसी सुविधा नहीं दी? फिर उसने मन ही मन ठाना कि वापस जाते समय वह उस भिखारी को 100 रुपये देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखाई दिए ना ही भिखारी। उसे लगा भिखारी किसी काम से कहीं गया होगा, इसलिए थोड़ी देर उसने वहीं खड़े रहकर भिखारी का इंतजार किया। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो अमीर आदमी ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। दुखी मन से अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल निकला। रास्ते में आदमी ने देखा कि एक फुटपाथ पर जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही अमीर आदमी की नज़र उसके जूते के जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि उसी के जूते पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि यह जूते उसे एक भिखारी 100 रुपये में बेचकर गया है। अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चल पड़ा। उसे भगवान से की गई अपनी प्रार्थना का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते, तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में 100 रुपये लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। वह चोरी ना भी करता फिर भी उसे 100 रुपये मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से भिखारी था।